बॉडीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ, आप देख रहे हैं हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। हम इस वक्त घोसी लोकसभा में हैं, जो कि अपने आप में एक चर्चा का विषय बनी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखें तो। कारण है, यहाँ से जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है सुभाषपा, जिसके नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर मैदान में हैं, और शुरुआत से ही तमाम वीडियोस, तमाम ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहीं जिनको लेकर ये सीट चर्चाएं बनी रही। अगर फिलहाल सांसद की बात करें तो अतुल कुमार सिंह पिछली बार 2019 में यहाँ जीते थे सपा बसपा गठबंधन के साथ में, बसपा की टिकट पर। इस बार की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, अरविंद राजभर सुभाषपा से हैं, बीजेपी के सपोर्ट से। समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन बना है उसकी तरफ से, और बसपा की तरफ से बालकृष्ण चौहान हैं। इस वक्त हम एक गांव में आए हुए हैं जो कि इस पूरे मऊ क्षेत्र का सबसे बड़े गांव में से एक माना जाता है। गांव का नाम मैं फिर भूल गया हूँ, सहरोज गांव का नाम है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो एक इसको बड़ा गाँव माना जाता है क्षेत्र का। तो लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि भाई आखिर क्या मुद्दे हैं चुनाव में और चुनाव का माहौल क्या है। अगर आबादी में बिरादरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राजभर समाज के लोग रहते हैं, और उसके बाद भूमिहार समाज के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है गांव में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम बहादुर राय, बावनों दोनों के चौधर डॉक्टर राम बहादुर राय। क्या मतलब हुआ इसका जो आप बता रहे हैं? बावन गाँव लीडर है। अच्छा, बावन गाँव के नेता हैं भूमिहार? नेता नहीं है, चौधरी। कैसे चुने जाते हैं, क्या काम होता है आपका? मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद इस बार उस बार रैनी में, फिर खोबंदवा में, फिर इसके बाद फिर जमनिया में, जमनिया तहसील गाजीपुर में, एक गोत्र के लोग वो आपको मानते हैं क्या? आप जो फैसले करते होंगे, कोई विवाद होता होगा समाज में, तो वो मान लेते होंगे। बावन गांव मानेंगे, तो बावन गांव में क्या मुद्दे हैं बाबू जी इस बार भूमिहार समाज में? बावन क्या है बता तो, जमनिया हमारा सब है, सब बीजेपी के साथ है टोटल जमनिया। अच्छा, हम बता रहे हैं जमनिया में सब बीजेपी के साथ हमारी बिरादरी है। अच्छा, जमनिया कहाँ पड़ा? गाजीपुर। अच्छा, इस कारण से नहीं कि वहाँ भूमिया लड़ रहा है भाजपा से, कारण वह नहीं है, वो ऑलरेडी भाजपा ही है, शुरू से है, वारिसत के मनोज सिन्हा का प्रभाव उस पर है। परसनाथ राय जो लड़ रहे हैं, हाँ परसनाथ लड़ रहा है, तो भूमिया के नाते वो जमनिया जो है हमारी तरफ, भूमिया लोग इनकी तरफ नहीं है, भूमिया के नाते नहीं है, वह मनोज सिन्हा के प्रभाव में है। मनोज सिन्हा वहाँ बहुत रहे हैं, बहुत दिन तक रहे हैं, सबके साथ उठे बैठे हैं, उसका प्रभाव है। मनोज सिन्हा को आप लोग नेता मानते हैं अपना? हाँ बिल्कुल, है कहाँ नेता, ऐसा नहीं है। अरे वहाँ के नहीं, सब लोग मानते हैं मनोज सिन्हा को, कोई सम्मान नहीं करता है, हर भूमिहार सम्मान करेगा, अपना ही सम्मान नहीं करेगा, दूसरा कौन सम्मान करेगा किसी का। अच्छा, हमारे आपने बताया कि जमनिया जो कि गाजीपुर लोकसभा में पड़ता है, वहाँ भूमिहार समाज पूरा भाजपा को जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। और अगर हम घोसी लोकसभा की बात करें तो यहाँ क्या माहौल है? मैं माहौल बताते हैं, यहाँ का माहौल यह है कि यहाँ जो हमारा कैंडिडेट जो है, जो भाजपा से अलायंस करके चुनाव लड़ा है, सुहेल देव पार्टी से छड़ी लेकर के, वो अब तक ओटवे मांगने नहीं आया किसी से, वोट चाहिए इन्हें भूमियारों का। अच्छा, नहीं अपने मामले में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या किया जाएगा? मांगता है अरविंद राजभर, आपके ना वोट मांगने नहीं आया, एक कोई नहीं आया, ना अरविंद आए हैं, ना अनिल आए हैं, ना ओम प्रकाश राजभर आए, वहीं आते थे भरोटी से वहीं से वापस। भाई क्यों वापस हो रहे हो भाई? यहाँ हम नहीं वोटर हैं, अब मांगो पहले से मान गया कि यहाँ राजीव राय का पूरा उठ है गांव का। अच्छा, जी का उठ राजीव राय, क्यों मान रहे हैं यार? आप पहुँचिए, अपनी कोशिश करिए अपनी तरफ से, आप कुछ भी तो मिलेगा हमको, लेकिन पहले वो अब तक आया नहीं हुआ। तो नाराजगी इस बात की आप कह रहे हैं भूमिहार समाज की वोट मांगने नहीं आ रहे? बिल्कुल जाति वाली बात है, जो जातिवादी बहुत बड़ी बात नहीं है, नाराजगी भी इस बात की है निश्चित रूप से, ज्यादा नहीं है तो 20-30% किस बात की है गारंटी को नहीं आया आदमी कभी किसी से कहने के लिए, किसी से मांगने के लिए। किस चीज का दो तक है बताइए? क्या नाम है आपका? अवधेश राय जी। क्या करते हैं अवधेश जी? अवधेश, हम तो हमेशा रिटायरमेंट एग्रीकल्चर में हूँ, प्योर फार्मर। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या मुद्दा है आपके चुनाव? हमारा मुद्दा है जो आपसे अलग है, इन लोगों से अलग है। मैंने नेताओं से कहा कि तुम्हारी इतनी तनख्वाह कहाँ से आती है, तुम्हारा सुख सुविधा इतना कहाँ से आता है, हम लोगों के पैसे से आता है, हम लोगों के टैक्स से आता है, तुम अपना पैसा क्यों नहीं कम करते हो, तुम क्यों बढ़ाते हो किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर? ये हमारा मुद्दा उठाइए आप।
क्या कहूँ मंत्री, आप इतनी सैलरी लेते हो, इतनी गाड़ी पे चढ़ते हो, हैं तुरंत आपके दरवाजे पर पांच ठो गाड़ी लग गई। अभी जवाब मंत्री जी पूछा था, आप बताइए कि कहाँ से आता है पैसा? हम ही लोगों का तो पैसा है, या तो आप फाइल इधर उधर करते हैं। तो मंत्री जी ने क्या बताइए, मंत्री जी ने क्या जवाब दिया? हमने ये सवाल मंत्री जी से भी पूछा था। कौन से मंत्री जी? अरे नाम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे नाम नहीं बताएंगे। गोपनीय शर्मा का पूछा है, क्या बोले मंत्री? कहे कि अभी कम है। अच्छा, हाँ बढ़ना चाहिए अभी। आप बताइए भाई साहब, कितनी इनकी सैलरी है महीने की, कितना इनका भत्ता है, कितने पर जाके रुकेंगे? पेंशन है, हमको क्या है, हमका हमारी दाई का दाम 5 रुपया कम कर दिए, इधर जो है खाद का दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ा दिए, किसान कैसे सर्वाइव करेगा? ऊपर से सांड बताइए, ऊपर से सांड छोड़वा दे, लावारिस जानवर इतने परेशान किए हुए हैं, क्यों गिरेगा बताइए? अभी किसान के लड़के होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो ये गरीबों के मुल्क में ये ऐसा आराम कर रहे हैं गरीबों के पैसे से, ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ कैसे सुधार आएगा, कैसे सुधार आएगा? ये हर पार्टी के लोग मिले और इस बात पर विचार करें कि जनता दबाव बनावे। जनता दबाव बनाती है, मगर कहाँ बनाती है जनता? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, हर आदमी थोड़े जानता है हर चीज। हर आदमी एकजुट हो नहीं सकता है। क्या नाम है? राज बहादुर राय। हर आदमी एकजुट हो नहीं सकता है, सबकी आकांक्षा है, लेकिन वो एक बात इस विषय पर नहीं आवाज उठा सकते हैं कि हम ये चाहते हैं। अब उठाएंगे तो उनकी बात मानी नहीं जाएगी। अगर हम तो चाहते हैं, सबसे जरूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई ध्यान किसी का नहीं है, सबसे मूल आवश्यकता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। शिक्षा का अभाव, कहीं हमारा 5000 रुपया महीने में फीस है एक आदमी का, और कहीं एक को पैसा नहीं लगता है। तो हमारी शिक्षा बहुत महंगी है ना, हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, और स्वास्थ्य के लिए जाएंगे लाखों रुपये की वसूली हो जाएगी, प्राइवेट अस्पताल पर जाएंगे, कोई ध्यान नहीं है। सरकारी अस्पताल में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कहने के लिए सुविधाएं हैं, कुछ नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है ना, एकदम शून्य है, शून्य बराबर शून्य। मोदी जी के लिए अलग कानून है और पूरे देश की जनता के लिए अलग कानून है। उनकी पेंशन बरकरार है, और जो 36 साल 30 साल सर्विस करता है उसकी पेंशन समाप्त है। वरिष्ठ नागरिकों की जो सुविधा रेलवे में मिलती थी वो बंद कर दी है, अपने चल रहे हैं एसी फर्स्ट में प्लेन से, ये है कि नहीं है? और तो समस्या है तो अलग है भाई साहब, शिक्षा स्वास्थ्य देश का भ्रष्ट जो है मूलभूत MLA MP निधि है, पर किसी का ध्यान नहीं है। देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार MLA MP की निधि है। उससे तो नेता लोग दावा करते हैं कि उससे आप लोग के लिए काम करते हैं, नहीं कर रहे। दो तिहाई बहुमत में ये चाहे जो कानून बना ले, कैसे बना लेंगे कानून? हैं कैसे बना ले? दो तिहाई बहुमत में नहीं बना सकते? क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि यहीं बगल में प्राइमरी स्कूल चलता है, जाके देखिए लड़कों की हाल, एक भी अच्छे परिवार का लड़का नहीं जाता है। शिक्षा स्वास्थ्य ये सब गवर्नमेंट, तो अच्छे परिवार के लोग जाएं और अच्छे परिवार के लोग उन स्कूलों पे जो पढ़ाने वाले सो रहा है प्राइमरी का, तो आप लोग जाके उन पे दबाव नहीं बनाते? सो रहा है अभी, आप 2-4 दिन पहले पढ़े होंगे कि जब BSA गया है प्राइमरी स्कूल में तो मास्टर साहब खर्राटे ले रहे थे चारपाई पर, क्या पढ़ाई होगी इसकी? आवाज जनता जागृत नहीं है बाबू, जनता जागृत नहीं है। आपके वोट की कीमत 500 रुपए की नोट है, आपको 500 रुपए का नोट दिया जाए आप वोट दे, आपको मतलब कि गांव में चलता है पैसे का खेल? अभी एकदम चलता है, एकदम चलता है, गांव में बढ़ता है पैसा क्या? हमसे गवाही दिलाएंगे कोर्ट में, बताइए अटैची का अटैची और पहाड़ नोटों का पहाड़ कहाँ मिलता है? किस क्यों आता है पैसा आप बताइए? करोड़ पकड़ा जा रहा रुपया किस लिए आता है? आप जो है AC में चले, चुनाव जैसे चल रहा है, अब लोकसभा का चुनाव है, तो क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे कोई मुद्दा नहीं है बाबू, कोई मुद्दा ये है, मुद्दा ये है कि सबसे बढ़िया मोदी हैं, मोदी आवे, क्योंकि मोदी का अल्टरनेट कोई नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए कि ये NDA गठबंधन जो है इसमें सब वही हैं जिस पर थप्पा लगा हुआ है। अरे एक चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, लाल मुलायम के बेटे हैं, आप उनके बारे में जानते हैं? और क्या नाम है, लालू प्रसाद यादव के बारे में जानते हैं? ये लोग समाजवादी हैं, सब परिवार के लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन,
लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, क्या सुधार होगा बताइए। मोदी जी करेंगे सुधार, मोदी जी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, सुनिए 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 सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र राय है। क्या करते हैं? मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अच्छा, पॉलिटिक्स में किस पार्टी से जुड़े हैं? मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और कह रहे मोदी जी कर रहे हैं, इनसे उम्मीद? वो भाजपा के नेता हैं, उस नाते कह रहे हैं सच्चे, और उनसे जुड़े हैं, भाजपा समर्थित है। एक बात, इतने लोग खड़े हैं यही वोट करा लिए, देखिए कौन किसके पक्ष में है। तो ये नहीं, वो बात नहीं है। मैं क्या, मेरी बात सुनिए। अभी मैं बयान सुन रहा था राजभर का, राजभर जी के लड़के का, प्रकाश जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, बेरोजगारी से है। 10 साल से भाजपा की सरकार लगातार चल रही है पिछले दिनों से, और ये सब मुद्दे कौन कौन देखेगा? सरकार देखेगी, तो इसका मतलब वो खुद ही सरकार से लड़ रहे हैं। भाजपा के लोग ही उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तो राजीव राय रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं, उसका एक कारण है। कारण ये है, कोरोना काल से लेके अभी तक एक कोई राजनेता किसी दल का बता दे कि वो क्षेत्र में रहा है, कुछ काम किया है, लोगों के सुख दुख में आया गया है, शादी ब्याह में आया गया है, ऐसा कोई प्रत्याशी किसी दल का हो तो बता दीजिए, चाहे वो बसपा का हो चाहे वो भाजपा का हो। एक मत, गोपाल जी तो हमेशा नहीं, गोपाल जी प्रत्याशी नहीं है, गोपाल जी प्रत्याशी नहीं है, गोपाल जी प्रत्याशी नहीं है, उनके नहीं, बालकिशन प्रत्याशी है। मैं बालकिशन की बात कर रहा हूँ, प्रत्याशी, मैं चुनाव के प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। नहीं भाई, तो नहीं है, रुकिए, जैसे इन्होंने बताया, ठीक बताया, जो इनके समझ में, हर आदमी की समझ अलग अलग होती है, होती है ना। इंदिरा गांधी ने कहा कि गरीबी हटाओ, कब का कहा? गरीबी हटी नहीं ना हटी। मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए। क्या क्या आप देख लिए? कांग्रेस, एक सेकेंड, कांग्रेस ने जितना 65 साल में रोड बनवाई होगी, उस 10 साल के अंदर मोदी जी ने बनवाया है। ट्रेन की पटरी जितना कांग्रेस ने बिछवाई, उससे ज्यादा जो है। पेपर देखिए, युवा देखिए, कह रहे हैं युवा देखिए यार जी, घोसी में क्या हो रहा है? यहाँ पर लोकसभा में क्या हो रहा है? यहाँ बहुत काम हो रहा है। कौन जीत रहा है? चुनाव कौन जीत? चुनाव देखिए, हम भविष्य के बारे में नहीं। आपको क्या लगता है इसका माहौल ठीक दिख रहा है? किसी का माहौल नहीं है, देखिए। अरे भाई साहब रुक जाइए, अल्लाह मत करिए। ऐसा है कि हम कहें कि भाजपा जीत रही है, कहें सपा जीत रही है, ये कहा वो कहा। अरे क्यों नहीं है? ओम प्रकाश राजभर उसी के तो गठबंधन के हैं, तो क्यों नहीं है? लेकिन कौन जीत रहा है कोई गारंटी दे सकता है? राजीव राय कैसे लड़ रहे हैं? राजीव राय बढ़िया लड़ रहे हैं। और अरविंद राजभर भी बढ़िया लड़ रहे हैं। दोनों में कौन बढ़िया रहे बता दीजिए। नहीं, ये कौन बढ़िया है, कौन? एक चीज बता दें, जो मैं किसी उस पे नहीं, आप पूरा जनपद घूम लीजिए, भाजपा के लोग राजीव राय को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा? उसका कारण है, प्रत्याशी से इतनी नाराजगी है, प्रत्याशी से नाराजगी है कि उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी भाषा शैली बहुत खराब है। पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे करा लीजिए जहाँ चुना, और कोई उसको पसंद नहीं कर रहा है। सच्चाई है, भाजपा के लोग भी वोट नहीं दे रहे राजभर? ऐसा नहीं है, जो कह रहे हैं ना ऐसी बात नहीं है। भाजपा के लोग जो सही भाजपा के लोग हैं, वो भाजपा को ही देंगे, चाहे जिसको दें, वो तो दूसरे को नहीं दे सकते हैं। भाजपा के लोग भाजपा ही को वोट देंगे। अरे चार को रिजल्ट बचाएगा, 2-4% भाजपा ही वोट देंगे। नौजवानों से बात कर लेते, क्या नाम है आपका? शिवम राय। क्या करते हैं शिवम? पढ़ाई करता हूँ। एलएलबी कर रहा हूँ जी। तो जिस वोट बना होगा जी, दोगे इस बार? किन मुद्दों पर? पहली बार वोट है मेरा। पहली बार वोट है? क्या सोच रहे हो कैसे देने वाले वोट? मैं सपा को वोट दूंगा, क्योंकि बीजेपी का यार पार्टी नाम बता दिए। किन मुद्दों पर? यहाँ पे कोई बीजेपी का प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो जमीनी स्तर पे हो, न युवाओं के लिए, न किसानों के लिए, न वृद्ध व्यक्तियों के लिए, न स्वास्थ्य के लिए। कोई भी कभी भी 5 साल में, 10 साल हो गए यहाँ से जीते हुए, कोई खड़ा नहीं होता है। और ये लोग बहुत वीआईपी हो गए हैं सपा के। ये पिछली बार कहाँ भाजपा थी यहाँ पे? कौन पिछली बार ये थे? हाँ, अतुल राय थे, वो अंदर थे। गोपाल राय से जितना हुआ वो किए, लेकिन यहाँ पे सरकार तो बीजेपी की ना चल रही है।
तो वो स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेपर देख रहे हैं, पेपर देखिए कितना आउट हो रहा है, हर दूसरा पेपर आउट हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, युवाओं का कोई भविष्य कहीं तय नहीं है। शिक्षा देख लीजिए कितनी महंगाई है, हमारा ये जो प्रोफेशन है इस पे देख लीजिए कितना पढ़ाई के लिए कितना बढ़ा दिया है, हर फीस बढ़ा दी गई है, भर्ती हो रही है, भर्ती यहाँ पे भर्ती नहीं हो रही है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? रोजगार बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कह रहे हैं? वैकेंसी आ रही तो पेपर आउट हो जा रहा है। क्या नाम है आपका? योगेश राणा है मेरा। क्या करते हो? मैं इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ। जी, किसकी तैयारी कर रहे हैं? पीसीएस के। जी, पीसीएस वाले में कहाँ है? होता है, अरे सर अभी पेपर देख रहे हैं, समीक्षा अधिकारी का आउट हुआ है। अच्छा। समीक्षा का अधिकार जी आरओ आरओ वाला, उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए इलाहाबाद में। अच्छा। गवर्नमेंट मानने के लिए, आयोग के चेयरमैन मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर आउट था। उसके बाद जब भी आते थे आयोग पे तो ये बताते थे कि नहीं जाँच का विषय है, जाँच का विषय है। हम लोग बहुत प्रोटेस्ट किए, तब जाके वहाँ से फिर ये हुआ कि ठीक है अब ये मान ली कि पेपर आउट हुआ। तब ये नहीं मानते थे कि पेपर आउट हुआ, तब उसके बाद ये मान ली कि पेपर आउट हुआ। उसकी भी जाँच हो रही है, जाँच कब तक होगी, कितने लोग दोषी पा रहे हैं भगवान जाने। तो ये हाल है, वैकेंसी आ नहीं रही है, वैकेंसी आ भी रही है तो ये हाल, पेपर आउट हो रहा है। तो युवाओं के साथ क्या होगा, धोखा हो रहा है। अब इलाहाबाद की कहानी है कि मतलब पलायन कर रहे हैं धीरे धीरे, लड़के वहाँ से पलायन कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट की कहानी है, या तो दिल्ली मुंबई जाएं, यहाँ कुछ ऐसा मतलब सेटअप है नहीं कि वो यहाँ पर अपना करियर बना सके। लोग कहते हैं ना प्राइवेट की तरफ जाओ, अब जो लड़का गाँव से है यहाँ से BA कौन सा प्राइवेट जॉब करेगा बताइए आप। या तो फिर आप ऐसे एजुकेशन पॉलिसी ऐसा बनाइए कि आप प्राइवेट की तरफ भी जाए, ये हाल है। क्या नाम है आपका? संतोष जी। क्या करते हैं? हम तो फार्मर हैं, किसान हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं, क्या माहौल दिख रहा है घोसी लोकसभा में? घोसी लोकसभा में बीजेपी, बीजेपी है यहाँ तो अरविंद राजभर लड़ रहे हैं, बीजेपी के ही नाम से, बीजेपी के नाम से ही लड़ेंगे। अच्छा। अपने बूते नहीं लड़ पाएंगे, बीजेपी लड़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि बीजेपी के लोग भी उनको वोट नहीं दे रहे हैं। अपना अपना मत है, अपना अपना मत है, देख कर देना नहीं है। कल्पनाथ राय के बाद जो है, अगर जो भी काम हुआ, चाहे रेलवे स्टेशन आप जाके घूम के देख लीजिए, रेलवे स्टेशन मऊ का या बस अड्डा या रोडवेज या नाला, नगर निगम, नगर पंचायत, जो भी बिजली का जो भी काम हो, सपा के, उसके बाद सपा के भी कई लोग विधायक रहे, हर लोग रहे जो उसमें जो है, लेकिन किसी ने नहीं काम किया। जो भी है बीजेपी करे, वो भले लोकल प्रत्याशी से लोग नाराज हो वो दे ना, लेकिन जो है बीजेपी को जो है वोट जा रहा है। नारद राय को अखिलेश जी जो है दरकिनार कर दीजिए मंच पे जो है। गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कौशल विकास, कौशल विकास। जो लड़का नहीं जा पा रहा है वो उसमें जाए, उसका वो उसमें सीखे, उसके बाद बैंक से लोन ले और काम करे और दो चार लोगों को नौकरी दे। गवर्नमेंट की योजना है तो इसको आप नहीं बताएंगे, सबको नौकरी कहाँ से, सरकारी नौकरी नहीं मिले, साढ़ चराए पकड़ के बीजेपी वालों को, वही है जिसको नौकरी मिले। जैसे भैया, जैसे भैया बोले कि वोट जो है, भैया ये मोबाइल आप रख दो अंदर, जैसे भैया बोले कि वोट जो है प्रत्याशी के नाम पे नहीं, मोदी योगी के नाम पे पड़ेगा, ऐसा है क्या? हाँ, 100% यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ राजीव राय को है, मैं बता रहा हूँ हकीकत। इसमें नाला बह रहा है, देखिए नाला बह रहा है, प्रधान से 200 बार कहा गया लेकिन नाले को ठीक नहीं कर रहे हैं। वो 200 बार है, ये प्रधान है, प्रधान है मेरे गाँव का, मेरे गाँव का प्रधान है, नाला बह रहा है। देखिए आप थोड़ा सा फोटो नाला का, सरकार किसकी है? सरकारी सरकार तो भाजपा की है, तो कौन बनाएगा? कौन प्रधान बनाएगा? नाला सरकार थोड़े बनाने आती है, प्रधान बनाएगा ना, प्रधान प्रधान बनाएगा ना। जैसे वो बोले भैया कि मोदी योगी का नाम पे वोट पड़ेगा या लोकल पड़ेगा, एकदम पार्टी के नाम नहीं पड़ता है, मोदी योगी के नाम पड़ता है। हाँ, योगी के, मोदी मोदी योगी से लोग त्रस्त हैं, मोदी से कोई त्रस्त नहीं है, मोदी से सब लोग खुश है। ममता, ममता, अखिलेश और सोनिया का लड़का क्या नाम है, राहुल गांधी, ये भैया करो जाइए। हाँ, ये दौरी जानते हैं, पहले गांव में दौरी चलती थी तो उसमें बैल बांधे जाते थे, गले में 3-4 ठो एक साथ चलते थे, ये एक दौरी के सब मेंबर हैं। किसके नाम वोट पड़ेगा? यहाँ तो राजीव राय का व्यक्तिगत छवि है जो कुछ मिल रही है, सपा का नहीं है। उसने गोली चलवाया है इस अयोध्या में, उसने क्या नहीं किया है? देखिए, इन्होंने अपना भाव अनिल 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 कुमार यादव, ही इज नॉट एबल फॉर दी दैट पोस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। उसने क्या किया? 65 में 56 यादव का अपॉइंटमेंट किया कि नहीं किया, और जब जांच शुरू हुई तो कापी सब जला दी गई।
ये सपा का राज है। इन्होंने माना है कि राजीव राय की छवि अच्छी है, ये स्वयं कह रहे हैं, मगर जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप अत्यारोप वो भाजपा समर्थित लोग तो कहेंगे, तो आप भी सपा से हैं, आप भी कहेंगे, और लोगों से हम कह रहे हैं, इनसे पूछिए सपा के नहीं है ये आपके साथ हमारे गाँव के युवाओं ने क्या बयान दिया। सपा काल में न धान की खरीद होती थी न गेहूँ की खरीद होती थी, हम लोग खाद मिलती थी, खाद के लिए लाठी मिलती थी, हम लोग लाठी चलती थी, हम लोग ले जाके गेहूँ जो है बनियों को देते थे। अब जो है कम से कम 10 इस साल इस समय धान गेहूँ की खरीद हो रही है आराम से, किसान ले जा रहा है, ले दे रहा है, किसान जो है कि खाद मिल रहा है, तो क्या चाहिए खाद वो भैया बता रहे महंगी हो गई है, वो महंगी होगी नहीं हो गई तभी मिल रहा है गेहूँ में, तो पेस्टिसाइड जो 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 जिसे पौधा इसमें खर पतवार वाली खाद है, खर पतवार वाली दवा है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, सब प्राइवेट कंपनी बनाती है। सुधाकर अभी हाल में उपचुनाव हुआ, एक मिनट सुधाकर का अभी हाल में उपचुनाव हुआ है यहाँ पे, सुधाकर के चुनाव में ये सारे ये लोग यही कह रहे थे कि भाजपा मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, ये जो लोग कह रहे हैं कुछ लोग, और नतीजा परिणाम आया इस गांव में भी वो जीते और ऐतिहासिक मतों से सुधाकर जीते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा रिएक्शन है, और फिर 4 को रिजल्ट आएगा, हम आपसे बात करेंगे, आप देखिएगा रिकॉर्ड मतों से 1.5 लाख वोटों से राजीव राय जीतेंगे ये घोसी का चुनाव। फ्यूचर की बात मत करिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फ्यूचर की बात है, कोई ऐसा नहीं है जो फ्यूचर के बारे में बता दे, तो बात ये बताइए गुण दोष, गुण दोष ही बता लीजिए। नहीं हम करें गुण दोष पे चर्चा हो जाए कि राजीव राय का क्या गुण दोष है और ओम प्रकाश राजभर के लड़के का क्या गुण है, उसी पे चर्चा कर लीजिए। वर्तमान में राजीव गांधी अच्छे हैं, राजीव गांधी नहीं, अरे क्या नाम उनका, राजीव राय अच्छे हैं व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अच्छे हैं, He's able for the post, समझ रहे ना। अरविंद राजभर को तो हम देखे ही नहीं है तो क्या बताएं, वो कभी बातें करने नहीं आया ना, उसने इस लाइन से कभी इस रास्ते से कभी हाथ जोड़ के भी नहीं गया, तो उनके प्रत्याशिता पे वोट पड़ने वाला है कि ऊपर। देखिए आप कहे कि मैं त्रिपाठी हूँ ना, हम सब लोग राय हैं, और उधरिया जाएंगे ना तो सब राजभर मिलेंगे, हम लोगों से ज्यादा वोट है, जाइए समझाइए ना, जाइए जाति के नाम पे वोट पड़ता है, दरी बात पर वोट पड़ता है, और जो पढ़े लिखे हैं जो समझदार हैं वो मोदी और योगी को देखते हैं, जो ऊपर देखते हैं कि मोदी के योगी मोदी के रहते हुए विश्व में भारत की रेपुटेशन कितना बड़ी है ये सब लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार राय। क्या करते हैं विजय जी? मैं तो LIC काम करता हूँ। किस पार्टी के? कांग्रेस के नेता है? कांग्रेस से बिलोंग थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, बिलोंग करते हैं। चुनाव लड़े हैं बताइए, अब चुनाव लड़े हैं, पार्टी जुड़े हैं, थोड़ा सा पूरी बात बताइए ना, क्या लग रहा है इस बार माहौल यहाँ पे? यहाँ पर राजीव राय जो यहाँ पर जनता के बीच में हमेशा काम करेगा, हमेशा रहेगा, वही विजयी होगा। जैसे कल ये नारद राय वाला एपिसोड हुआ कि नारद राय जो बगल के नेता है बलिया के, वो शामिल हो गए बीजेपी में, पहले समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े हैं, पहले जीते भी हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उनका इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए नारद राय में स्वयं का विश्वास नहीं है और किसी के नहीं है वो। जब हम लोग लखनऊ जाते थे मिलने नारद राय से, तो घर में रहते थे, कहते थे कि हम नहीं हैं, लखनऊ गए हैं। ये दिक्कत अभी शुरू हुई कि जब पहले से है, पहले नारद राय किसी बोलते थे, नारद राय तो नेता है ये नहीं है, है ना, वो पढ़ता पार्टी वाले हैं, सीधे छात्र नेता है, नारद राय छात्र नेता है, आपको पता नहीं है, छात्र नेता है, उनके भाजपा में शामिल होने का फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन वो छात्र नेता है। नारद का प्रभाव ना कहीं, किसका प्रभाव है यहाँ पर? किसका? किसी का प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्तिगत वो आदमी कैंडिडेट अच्छा है, सुन लीजिए, व्यक्तिगत कैंडिडेट अच्छा है और लोग कैंडिडेट से बेहतर है आदमी, राजीव राय हाउ कैंडिडेट उससे बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? किसको प्रधानमंत्री किसको? देखिए हम लोग भाई प्रधानमंत्री, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे मोदी प्रधानमंत्री हों, ये सही चीज़ है, लेकिन राजीव राय को समाजवादी का मैं नहीं हूँ,
और समाजवादी को मैं वोट भी नहीं देता, ऐसी बात नहीं कि उनको वोट देंगे हम, लेकिन अलायंस है कांग्रेस का अलायंस है, इसलिए उनको वोट देना है। ये बताइए कि जब से मोदी जी हैं आप बता दीजिए वो क्या किए, हम कहा बता, आप पूछो जाकर नेताजी से, हम कहा बता दीजिए कौन सा सड़क बहुत कर दिया, फोर लेन बनवा दिया, तो सारे हाईवे बने हुए आते हैं, तो काम कितने विद्यालय खोले हैं, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, बता दीजिए। बांध ली खुले भाई साहब, मोदी ने तीन काम किया, मोदी जी ने कुछ सुना यार, मोदी जी ने सुनिए शांति से, भाई सुनिए डॉक्टर साहब, चलिए खत्म करते हैं। मोदी जी ने तीन कुछ अच्छे ऐतिहासिक काम किए हैं, बॉन्ड के थ्रू पैसा तहसील है, कांग्रेस ने भी लिया पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से, तो नहीं लिया है, कितना लिया है, कहाँ लिया है, हमें नहीं पता, आपको नहीं मालूम है, लिया तो है ना, ठीक है, अगर 2,000 रुपया 2,500 रुपया हम पाए, कोई 2.5 लाख 2.5 करोड़ पाए, वो नहीं, वो तो अपनी क्षमता, अरे उससे लोग बहुत विकास हुआ है, एक मिनट, बहुत विकास हुआ है, जरा बता दीजिए, काला धन कहाँ गया, एक मिनट सर, कितना पैसा आ गया, 70 साल के पहले और 70 साल के बीच में न कृषि में कोई व्यवस्था थी, उस कांग्रेस ने किया, यहाँ जो है भजकटिया जामता था, भड़भाड़ जामता था, खेती होती ही नहीं थी, हम लोग ढक्चा से पानी चलाए हैं, और आज वर्तमान में संसाधन हर जगह है, उपलब्ध है, सड़क गांव गांव में नहीं थी, हम लोग कीचड़ हल के जाते थे, गाड़ी हल के जाते थे, तो फिर 14 और 19 दो बड़े चुनाव क्यों हारे, 14 जो है ये खाली जो है धर्म के नाम पर जीता गया है, मंदिर दो चुनाव जिनके नाम पर जीता गया, दो चुनाव जीत गए, जी हाँ, धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके, और कांग्रेस कांग्रेस सबको लेके चलती है, क्या कह रहे बाबूजी, क्या कह रहे भाई, मोबाइल जो है राजीव गांधी लाए, राजीव गांधी ने उसको कंप्यूटर लाया, और मोदी ने पूरी फैक्ट्री ले दिया, यहाँ पर इतना विदेश हो रहा है, विदेश में इंपोर्ट हो रही है, अब एक्सपोर्ट हो रहा था, अब है भाई, तो ये गांव में थे घोसी लोकसभा में, लोगों से उनकी राय समझिए, आप देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा है। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।